हमारे माननीय राजचंद्र रावल जी के निर्देशन में हमारे मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के निर्देशन साथ सभी विधानसभा लेवल पर, हमारी बूथ लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर सभी तैयारियां चल रही हैं और हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में हैं। और इस बार राजस्थान में निश्चित रूप से कांग्रेस का बहुमत रहेगा, 25 में से 25 सीटें आएंगी और पूरे राजस्थान की जनता जान चुकी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को कहा था कि 15 लाख खाते में जमा हो जाएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी नोटबंदी है, जीएसटी है और जो भी इन्होंने जो कदम उठाए वो सारी जनता देख लिया है कि प्रैक्टिकली क्या हुआ है और लोगों को कितना विकास हुआ है। देश की जीडीपी की बात करें तो कितनी नीचे जीडीपी आ गई, विकास दर कितनी नीचे आ गई, आज प्रदेश और देश के जो हालात हैं उसको देखते हुए जनता समझ चुकी है कि किसी के जाते में नहीं आना है, किसी के जुमले में नहीं आना है। पर राजस्थान में जिस प्रकार लोगों ने हमें बहुमत दिया है उसी प्रकार आने वाले लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से, यहां की बात करें तो धौलपुर करौली की सीट निश्चित रूप से जीतेगी, राजस्थान में हमें बहुमत मिलेगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। मतलब पहले की बार राहुल गांधी का भी यहाँ दौरा रहा था और लगभग क्लियर था कि करौली धौलपुर की सीट कांग्रेस की ही रहेगी, लेकिन आखिरी टाइम में बीजेपी की सीट निकल गई, तो इसे नरेंद्र मोदी की लहर का ही या कोई कांग्रेस की कमी का ही? उस समय तो पूरे प्रदेश में जो आपको पता है कि लहर थी, उस तरह का वातावरण था, लोगों को लगा कि भाई प्रधानमंत्री जी आए हैं, लोगों को जो सपने दिखाए थे असत्य बोलकर कि सत्ता में हम आएंगे तो लोगों को विकास करेंगे, लोगों का स्तर बढ़ेगा, तो लोगों ने सोचा कि भाई एक बार वोट दें। लेकिन लोग अब जान चुके हैं कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, कांग्रेस जो कहती है वही करती है। ऐसा है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए और हमने अभी तक लोगों से जो वायदे किए उनमें से 21 वायदे धरातल पर हैं और पूरा 5 साल का समय पड़ा है। तो जो किसान कर्ज की माफ की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने सिर्फ 8000 करोड़ की घोषणा की थी लेकिन बजट में मात्र 2000 करोड़ का प्रावधान रखा, उसका 6000 जो बचा हुआ जो कर्जा है उसको भी हमारी सरकार झेल रही है, उसकी व्यवस्था हमें करनी पड़ रही है। उसके अलावा हमने कहा है कि 2 लाख तक लोगों का कर्ज हम माफ करेंगे, तो इसमें जितनी भी सीसी बैंक है उनका संपूर्ण कर्ज माफ होगा, आपके कोऑपरेटिव बैंक है उनका कर्ज माफ होगा, नेशनलाइज बैंक है उनके भी 2 लाख, जैसे आपने कहीं किसान संबंधित आपके खेत सुधार संबंधित या कोई इंस्ट्रूमेंट लिया है तो उसके 2 लाख कर्ज माफ होगा। नेशनलाइज जो कॉमर्शियल बैंक है उसके हम डाटा कलेक्ट करवा रहे हैं, उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो उसको भी आने वाले समय में जो किसानों के जो डिफॉल्टर के अलावा अन्य किसान हैं उनका भी कर्ज माफ करेंगे, उसकी पूरी तैयारी चल रही है, उसका परीक्षण हो रहा है। और रही बात आपकी जो हमने दूसरी घोषणा की थी कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, तो हम 3500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, 3000 अभी जो युवा वर्ग मतलब पुरुष वर्ग है उसको देंगे। तीसरी हमारी जो घोषणा है कि वही खाद्य सुरक्षा योजना में बीपीएल स्थित बीपीएल अंतर्गत योजना के लोगों को 1,74,00,000 लोगों को 1 रुपये किलो गेहूं देंगे, हमने धरातल पर उसको लाए। आने वाले समय में जो हमने 69% से 100% जो कोटा है उसको खाद्य सुरक्षा योजना उसको भी बढ़ाएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है, हमने जो जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा की है एक तरह से वो जन घोषणा पत्र वो सरकारी दस्तावेज बन गया है, उसी के अनुसार काम करेंगे, उससे हम अलग नहीं जाएंगे। तो लोगों को भी हमारे ऊपर विश्वास है तो हम लोगों के विश्वास को कायम रखेंगे। अच्छा एक अंतिम सवाल, बीकानेर में रेखा जो फिल्म स्टार है, अजमेर में सलमान खान की जीजा और भरतपुर से नीरज के पवन की बात चल रही, क्या ऐसा भी करौली धौलपुर में कोई ऐसा ही उम्मीदवार होगा? कोई जो कांग्रेस में जो काम कर रहा है और वर्षों से संगठन से जुड़ा हुआ है उसी को टिकट दिया जाएगा? ये तो जो कुछ चुनावी माहौल है सब तरह की बातें होती हैं, जो हमारा संगठन से जो संगठन से जुड़ा हुआ आदमी है या जिताऊ उम्मीदवार है उसको हम टिकट देंगे, पार्टी चेक करती है, चाहे रस्ते चलते आदमी को टिकट नहीं दिया जाता।